नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार जगह जगह जा रही है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची खैरपुर कदवा पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी सोनू कुमार जायसवाल जी से बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बात हुई है, उनका क्या विजन है इस चुनाव को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, और भी क्या बातें हुई है आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गाँव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। 3 चरणों में मतदान भी हो गया है और वहाँ पे लोगों ने अपनी सरकार भी बना ली है। 4th चरण का मतदान यहाँ पे 20 अक्टूबर को होना है। इसी तरह में भागलपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा में हूँ। मैं खैरपुर कदवा पंचायत में हूँ। यहाँ के भावी प्रत्याशी सोनू कुमार जायसवाल जी से बात करते हैं, इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सोनू जी, आपका नीलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आप चुनावी दौर में हैं, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना और विकास करना। जनता की सेवा और पंचायत का विकास ही आपका उद्देश्य है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? जो भी होगा करेंगे, जैसे कि जैसे विधायक पेंशन हुआ, हाँ, जो भी सरकार का मिले पानी होगा, मतलब जितने भी योजनाएं आएंगी उस पर आप काम करेंगे। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल नहीं, इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? इसका जो है प्रयास करेंगे। आपका कहने का मतलब ये पदाधिकारियों से बात करके उसको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, और क्या क्या काम करेंगे? जो भी विकास करते हैं, जैसे किसको बताइए? जो होगा सरकारी दुकान पर जो समस्या है, सड़क पे यहाँ तो सड़क टूटा हुआ होगा, उसको ठीक करेंगे। आपके पंचायत में एक समस्या और है, जल निकासी की। उस समस्या को आप कैसे देखेंगे? निकालेंगे। क्या कुछ तो बताइए, निकालेंगे जैसे होगा काम कराएंगे, उस पर काम करेंगे। और आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था है। सरकार से मांग करेंगे, और क्या क्या काम करेंगे? कौन जो भी होगा सरकार का, कुछ योजना के बारे में बताएं, जो जब आप मुखिया बनेंगे इसको आप प्राथमिकता देंगे, पंचायत की जनता आपको प्राथमिकता देंगे, शिक्षा के लिए प्राथमिकता देंगे, जो भी काम होगा, जो भी काम होगा सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी उस पर आप काम करेंगे। क्या आपके, जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो वृद्धों का सम्मान होगा? जी सर, बुजुर्गों का सम्मान होगा। जात पात की कोई राजनीति, कोई राजनीति नहीं। तो बुजुर्गों के लिए क्या वृद्धा पेंशन की योजना कैसे देखेंगे आप? देखेंगे, मतलब उसी लाभों को देंगे या जो कम उम्र वाले हैं उसको भी देंगे? कम उम्र वाले उसको देंगे। आवाज़ पे ध्यान देंगे? जी सर। मतलब आवाज़ पे कैसे ध्यान देंगे? जिन लाभों को मिलना चाहिए उन्हीं को देंगे या सबको मिलेगा? नहीं नहीं, जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। गरीब तबके के लोग, गरीब तबके के लोग। और क्या क्या काम करेंगे? जैसे आपने बताया कि शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, वृद्धा पेंशन पे काम करेंगे, राशन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड निकालना है उसका प्रयास, विकलांग पेंशन भी बनवाएंगे, सब कुछ देंगे। आप इतना काम करेंगे, सड़क के बारे में क्या सोचते हैं? विकास में ये भी आता है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ प्रयास करेंगे बनाने का, जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ पे सड़क बनाने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या योजना है आपके दिमाग में जो आप देंगे? जो भी योजना होगा ना। सोनू जी, आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है, आप भी एक युवा हैं, खेल कूद की मैदान की व्यवस्था कैसे होगी? सरकारी विभाग से काम करेंगे, मतलब पदाधिकारियों से बात करके इसको भी लाने का कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। आपकी, आपका ये वीडियो पंचायत की जनता देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे पंचायत की जनता से? पंचायत
जनता से उम्मीद करते कर रहे हैं और बोल रहे हैं जनता आपको वोट क्यों देगी? वोट युवा साथियों को बहुत बड़ा सहयोग है अभी बोल के खराब ही किया है। अच्छा, उम्मीद करते आप एक समाज सेवी हैं, आपके द्वारा इस कोरोना काल में क्या क्या काम हुआ होगा? टीका दिलाना। हाँ, जो जो काम किए हैं आप बताइए। वैक्सीन वैक्सीन जो भी कोरोना काल में लोगों को जागरूक किए हैं वैक्सीन लेने के लिए। लगभग लगभग कितना सैनिटाइज वगैरह बांटे होंगे आप? बांटे नहीं है। अच्छा जी, पंचायत की जनता से आप अपील क्या करना चाहते हैं कि वो आपको वोट अगर आपको जिता के लाती है तो आप उनके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे? यही एक बार आप बताइए पंचायत की जनता को। विश्वास पे खड़ा उतरेंगे अगर वो आपको जिता के लाती है। आपके पंचायत में घुसखोरी प्रथा कम होगी? घुसखोरी प्रथा जिसे कहीं पे कुछ लोग बताते हैं कि आवास में पैसा लिया जाता है, इसमें पैसा लिया जाता है, उस तरह का योजना में पैसा लिया जाता है, तो क्या आप जब मुखिया बन के आएंगे तो आप भी ये काम करेंगे? जी नहीं, नहीं करेंगे। मतलब ये सब चीज़ पे घुसखोरी प्रथा कम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। ग्राम पंचायत? प्रखंड? अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही काट हैं, जल्दी दबाओ।